आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला शमूएल 23वां अध्याय वचन 14 से 29। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इसराइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो, और पता लगाओ कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा रहता है उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेला हम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा।